नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 33 होने वाली है, उनके हाथ का अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस कॉइंट निकल के आता है। इन्होंने क्वेश्चन पुटअप कराया कि शेयर मार्केट में पैसा मैं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, और मैं बिज़नेस शुरू करूँ तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा और टाइम पीरियड कौन सा है। और अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं कि बच्चा एक मिसकैरेज हो गया था तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा तो बार बार तो नहीं है, कहीं हाथ में लिखा तो नहीं है कुछ, तो वो चीज़ पूछना चाह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं इनके हाथ में वो चीज़ होती है कहाँ दिख रही है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं, 5। और जो इसका रूलिंग प्लैनेट बुध होता है, कुछ गुण इसमें सूर्य के भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, कैसे पैसा कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है इन्हें पता होता है। ये लोगों को अगर कॉमर्स में और साइंस में अच्छा करते हैं, नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में पढ़ाई को बीच में छोड़ दे तो दिक्कत आता है। लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। अगर बुध पर्वत कमज़ोर हो तो इन्हें कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा काम करें या ना करें। ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और शुरुआती 6 से 7 साल संघर्ष के रहते हैं जब ये कमाना शुरू करते हैं। और 1 और 6 के साथ अच्छी दोस्ती होती है, 7, 8, 9 के साथ अच्छी दोस्ती कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। खाने पीने की चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, रत्न पन्ना और या पेरीडोट रत्न पहनना चाहिए। और ये लोग को नींद कम आना, अंगों में तनाव होना, दर्द होना, बदहजमी, नाक आँख की प्रॉब्लम रहती है। अपनी भावना अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अच्छी तरीके से रखते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, व्यापार और वाणिज्य की समझ रखते हैं, अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर भी बदलते रहते हैं। यही कारण होता है इनकी ज़िंदगी में विचारों में बहुत जल्दी बदलाव आता है। और ये वही काम करना चाहते हैं जहाँ कंफर्टेबल जोन इन्हें महसूस हो। और ये लोग मैथ्स, कॉमर्स और बीकॉम की और साइंस में भी अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं, बोलने की कला इनके अंदर अच्छी होती है, ज्योतिष और पामिस्ट्री में भी रुचि रखते हैं। बिजनेस करना चाहें तो मूलांक के हिसाब से लकड़ी का, फर्नीचर का, आयुर्वेद, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि बनते हुए दिखाई देते हैं। पैसे भी कमाते हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहती है। यात्रा करना अच्छा लगता है, बदलाव करना अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तब भी सफलता जरूर मिलती है। दोस्त जल्दी बनाते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक मित्रता होती है, लव मैरिज में दिक्कत आती है और इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पुटअप करा, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि सर क्या मैं बिजनेस शुरू करूं, क्या कर सकता हूं, करूंगा तो कब से करूंगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले भाग्य रेखा को देख लेते हैं। देखो हम यहां पहुंचे और यहाँ पर हम इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं कि मैं यहाँ पर 37 साल 4 महीने पे पहुँचा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है ये क्या शो कर रहा है। अभी ये यहाँ पर है, ये लगभग यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है। ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है, अभी इन्हें पता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। ये कुछ नहीं रेखाएं, कोई डिस्टर्बेंस की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब ये फॉर्मेशंस बनती हैं तब आदमी सोचता है कि मुझे कुछ करना है। जैसे अभी इनके फीलिंग आ रही है कि मैं बिज़नेस करूं, ठीक है, या मैं जॉब छोड़ दूं, आगे जाकर जॉब नहीं करता, बिज़नेस कर लेता हूं, कुछ करता हूं। तो ये भावनाएं तभी लाई जाती हैं जब यहां पर कोई किसी का इम्पैक्ट देना होता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जब सही टाइम पर सही डिसीजन लेने वाले, नहीं तो सब रेखाएं फंसाने वाली जरूर होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये टाइम पीरियड तो अच्छा नहीं है। अब आप कहते हो कि सर ये टाइम पीरियड तो अच्छा है, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है, अब इसको चेक कर लेते हैं हम। ये क्लोजअप है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अच्छा नहीं है टाइम पीरियड, नहीं है ना। यहाँ से ये जो टाइम पीरियड है, आप कहोगे सर यहाँ पर, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है। वैसे ये बीच बीच में थोड़े से परेशानी आएगी, पर लेकिन मैं इसे कैरी ऑन कर रहा हूँ, लेकिन इनको रोक रहा हूँ 42 साल तक केवल, कि 42 साल तक बिजनेस नहीं करना और जॉब नहीं छोड़नी है। वो समझा देता हूँ क्यों। देखो एक तो ये स्ट्रांग रेखाएँ नहीं है इस टाइम पीरियड पर,
ठीक है, ये इनको चेंज कराएगी। एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी इनको ना जरूर, ऐसी कोई दोस्त बोल देगा, भाई यार बहुत अच्छा रिज्यूम तूने डाला, कंपनी बहुत अच्छी है, अब वहाँ चले जाए, वहाँ का एटमोसफियर पसंद नहीं आए, कुछ ना आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फंसा देगा लाइफ में। ये जो ये वाला जो ऑफ शूट, पतला सा जो ऑफ शूट है, और ये जो कह रहा हूँ, ये इनको दिक्कत दे सकता है इस टाइम पर, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, दिखाऊंगा मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन दूसरे हाथ को देखते हैं, ये देखो, अब इनकी लाइफ में इनको अभी तक कुछ फीलिंग क्यों नहीं आ रही, जो पहले दिक्कत थी शुरुआत में कि एटमॉस्फियर उनको अच्छा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि वो टुकड़ों में चल रही थी। अभी क्या है, एक के साथ एक पैरेलल रेखा चल रही है ना, तो इनको ये लग रहा है कि मैं अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 28 साल से, 28 साल 4 महीने के करीब से इन्हें कोई दिक्कत ज़्यादा महसूस हो नहीं रही, इनकी रेखाएं ये बता रही हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि ये सोच रहे हैं जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अब रेखाएं यहाँ आकर चेंज हो रही हैं, ये देखो, अगर ये यहाँ पर सिंगल है, ये यहाँ पर डबल है, और ये टुकड़ों में चल रही है, तो बहुत दिक्कत देगी, ये चीज़ समझ आई। अब मेरा वो वाला वीडियो याद रखना जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर जो एक स्थायी रेखा होती है वो कैसा काम करती है, और लगातार सूर्य रेखा का काम क्या होता है, याद है वो वीडियो में जो आपको एग्जांपल से समझाया था, तो वो वीडियो देखना। अब यहीं पर मैं आपको दोनों हाथों पे दिखाता हूँ इन्हें फीलिंग क्यों आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखो, जब ये रेखा नीचे उतर गई ना, ये रेखा नीचे उतरी, समझ रहे हो, तो ये क्या है, जब टिक के काम करेंगे ना, टिक के काम करेंगे, ये एक्टिवेट रहती है, जहां छोड़ देंगे परेशानी आ जाएगी, और फिर ये कहेगी, ये तंग करना शुरू कर देगी रेखा। अभी इन्हें महसूस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये सहायक रेखा बन के चल रही है इनकी, और ये टाइम आने वाला है, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि अगर क्लोजली ऑब्जर्व दोनों हाथ पर, पहले ये सूर्य रेखा बताता हूँ, ये देखो, लगातार आप काम करोगे ना किसी भी कंपनी में, या किसी भी फील्ड में, या अपना बिजनेस भी जो लगातार चल रहा है, और ये रेखा नीचे उतरी है, ये आपको घर भी, इनका घर भी बनेगा इस टाइम पीरियड में, लेकिन अगर इन्होंने छोड़ दी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, तो फिर तो टेंशन में आ जाएंगे, फिर तो वो रेखाएं नाच नचालेगी। पामिस्ट्री को ध्यान से समझा करो आप, ये चीज़ें, बारीकी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, इस रेखा का भगवान पागल नहीं है कि ये बीच में डालकर ये कमज़ोर कर दी। वो अभी तक ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो इस टाइम पीरियड तक ये यहाँ से यहाँ तक तो अभी पता ही नहीं लगा इन्हें, ये सोच रहे हैं हाँ सारी चीज़ें सही चल रही हैं, हाँ मेरी कंपनी में सब कुछ सही है, हाँ आगे अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी, मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं अगर कहीं, ये भूल गए कि पहले भी यही व्यक्ति थे जब इनका मन नहीं लगता था, वो रेखाएं बताती थी जब टूटी हुई थी तो, लेकिन अब ये सोचते हैं कि नहीं मैं प्रोफिशिएंसी पे आ चुका हूँ। कोई प्रोफिशिएंसी नहीं होती आदमी में, भाग्य रेखा ही प्रोफिशिएंसी को लाती है, बिगाड़ती है, और आदमी को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। अब ये रेखा जो है ये इनको एक सेटिस्फेक्शन दे रही है, पैसा दे रही है, क्योंकि ये लगातार लगातार जो काम लगातार करते रहोगे प्रसिद्धि दिलाती है सूर्य रेखा। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अब दूसरे हाथ में दिखाता हूँ ये रेखा, ये देखना ये कब से सहायक रेखा बन के बैठी है, और ये देख लो, आप अगर इस टाइम पीरियड पर किसी भी पाम रीडर को बोलो, वो ये कहेगा कि भैया ये तो लाइफ में, ये देखो, इस वाली टाइम पीरियड से ये अपनी नौकरी कर रहे हैं, इस पर ये इतनी स्ट्रांग रेखा है नहीं है ना, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आगे पड़ेगा, लेकिन अगर छोड़ दी तो देख लो कहाँ तक पहुँचेगी। ये देखो, ये भी एक रेखा नहीं है, ये भी टुकड़े पर है, ये भी टुकड़े पर है, वो तो मैंने बताया हुआ है, जहाँ डार्क होती है क्या होती है, वो तो देख लो उस वाले हाथ में कैसी रेखाएं थी और इसमें कैसी, पाम रीडर ये देख कर बता देगा, उसे कलर का नहीं पता कि ये रेखाएं कैसे कलर पे चल रही हैं,
मुद्दे की बात बस ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये रेखा कब एक्टिवेट होती है और इसका काम क्या होता है। अगर इसे किसे नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, सब कुछ देगी, सब कुछ देगी, सब कुछ देगी, सब कुछ देगी, ठीक है। वो मैं अब आपको यहाँ दिखाता हूँ जब मैं कैलकुलेशन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं इस तरफ आऊँगा तब आप देखना, जब इस एरिया पे आऊँगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये अगर बन गया तो देगा, पर लेकिन क्या बन रहा है, ब्लैक से इतना अच्छे उससे नहीं बन रहा, वो बन रहा है। ये क्या करवाती है, जब भी ये बनता है ना, आदमी ना सोचता है कि मैं, मेरे सब कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में, चलो यार मैं ऐसा करता हूँ घर भी ले लेते हैं, घर ले लिया, अरे यार खर्चे ज़्यादा हो गए, अब ना ऐसा करता हूँ कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बीवी ने कहा अरे यार इतने खर्चे हो रहे हैं, तुम लोग ना अपना काम, अब वो इसी कंपनी में टिके रहना, तुम ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो। तो वो जब ताने देना शुरू करेगी तो क्या होगा, आप ना अपॉर्चुनिटी को देखोगे और ना चाहते हुए भी फंस गए। फिर वो रेखाएं जो हैं नाच नचाना शुरू कर देंगी, फिर ये नहीं काम करेगी, ये नहीं करेगी। फिर बस यही पामिस्ट्री में इनके हाथ का कंक्लूजन है पहली बार, तो वो भी मैं बताऊंगा जब मैं इनकी राहु रेखाओं पर आऊंगा तब बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पुटअप करा कि सर मेरे बच्चे का थोड़ा सा बताएं कि जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो वो बताएं आप मुझे, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये रेखा यहाँ से मोटी और यहाँ से पतली चल रही है, और ये रेखा जब भी जाती है तो कि क्या क्या इंडिकेट देती है, समझते रहना, फार्मूला समझते रहना, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीसरा फार्मूला। अरे ये तो फिर वही फार्मूला आ गया। देखो भगवान ये वाला फार्मूले कहाँ कहाँ यूज़ करके बैठते हैं, बहुत जगह, ये दिक्कत देता है। अब ये क्या है, स्वास्थ्य रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा है। अब ये स्वास्थ्य रेखा, इसको कौन सा पाम रीडर जानता है कि जब वो इसको टच करने की कोशिश करती है तो ये स्पर्म को काउंट करती है, यानी कुछ दिक्कत आ सकती है इनकी इसमें। तो बेटर है कि आप अभी से समझ जाओ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। वैसे इनका एक लड़का एक लड़की होंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर लेकिन क्या करेगा, ये फॉर्मेशंस को बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके साथ सबसे पहले इन चीज़ों को देखो तो गुरु को जरूर चेक करो। देखो इस हाथ को करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है, वैसे सही है, अपने आप में सही है, पर थोड़ा सा ये दबा हुआ है। चलो अच्छी बात है, बीच से है, साइड से कहीं से नहीं है। दूसरे हाथ को देखते हैं, ये देखो ये है। अब इनका भी देखना पड़ेगा, उनका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल का सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि 16 साल के बाद ना गुरु क्या करता है, फीमेल को ना पूरा रूल आउट करता है पूरा, तो उनको देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में से किसको, किस व्यक्ति को एसिडिटी रहती है। जब भी हस्बैंड वाइफ को एसिडिटी रहे ना, पेट खराब रहे, कब्ज रहे, और उनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो जाए, वैसे तो ये वाला फार्मूला आप हमेशा लगा लेना, चाहे 25 साल में शादी हो जाए, कुछ हो जाए, दोनों में से किसी को भी पेट खराब है, गैस है, बच्चा टिक नहीं पाएगा, गिर जाएगा। खाओ मसाले वाले खाने, स्पाइसी फूड कितना अच्छा लगता है फीमेल को, नहीं 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 नहीं, ये खाने हैं गोलगप्पे, चटपटी चीज़ें खानी हैं, हैं अचार खाने हैं, खाओ आप इससे पहले खाओ, ये अगर आप प्लानिंग कर रहे हो खाओ, देखो क्या कितनी मुश्किलें आ रही। पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग क्या कहते थे, नहीं खाना ये मसाले वाले चीज़ें नहीं खानी कहते थे ना, इसके पीछे रीज़न होता है, हमें समझ नहीं आता। तो ये चीज़ें नहीं की जाती, जंक फूड नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा जो है वो शुक्र से बना होता है।
ये अगर है तो शुक्र, जहाँ पर फीमेल का पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ओवरी का, वो उस पर इम्पैक्ट डालता है, उस पर डालता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्पर्म्स को हल्के कर देता है। आप लोगों को नहीं पता, ये डॉक्टर भी नहीं बताएगा, इसलिए इनका क्वेश्चन ऐसे आया था, तो मैं बाउंड हूँ चीज़ों को बताने के लिए, छुपाता नहीं हूँ मैं चीज़ों को, तो बाउंड हूँ। तो ये क्या करता है, ये पतला बना देता है। जब पतला बनता है, उधर से 90 डेज के अंदर अंदर गुरु जो है वह बच्चे को गिरा देता है। जितने ज्योतिषी है ना, इसे नीच का गुरु क्यों बोलते हैं, कि ये किस ग्रह में किस खाने में बैठा हुआ है और वो क्या इम्पैक्ट देता है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन पर, पामिस्ट्री भी कहती है, यहाँ से दबा हो तो यहाँ पर इम्पैक्ट देगा, यहाँ से यहाँ तो यहाँ देगा, बीच में तो क्या देगा, वो सब यहाँ पर भी है और एस्ट्रोलॉजी में भी, ठीक है। एनीवे, तो मेरा कहने का क्या भाव था, कि ये प्रॉब्लम्स को आपने करना है, ठंडे एटमॉस्फेयर में रहना है, ये वेदर को चेंज करते हैं चीज़ें हो जाती हैं। किसी को आप टेंशन हो तो कहते हैं ना, अरे यार ज़रा घूम के आओ, अपने इस हवा अगर चेंज कर दो तो आपकी टेंशन हट जाएगी, कहते हैं ना। ऐसे ही अगर वेदर चेंज हो जाता है ना, तब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो अगर है ठंडे इलाके में, ठंडी चीज़ों पे रहो, ठंडी चीज़ें खाओ, दही, ये सारी चीज़ें इनका यूज़ करो आप। ये डाइट चेंज करनी पड़ती है, इसमें डाइट चेंज करो, डॉक्टर तो गोलियां दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, और एक इन्फेक्शन नहीं होने देना फीमेल को, इंटरनल पार्ट्स पर नहीं होने देना, वो भी चेकिंग पे जरूर डालना है उनको, उनका भी यही चीज़ें देखना और आपका भी देखना। अगर ये चीज़ सब करोगे तो टाइम पीरियड जो होता है बढ़ता रहता है, फिर आप कहते हो कि मुझे एग्जैक्ट बताइए, ये एग्जैक्ट इसमें एग्जैक्ट आपके हाथ में, ये चीज़ सही ले आओ, मैं टाइम पीरियड बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद लगती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्यों हो गया, तीसरा इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट की रेखा। देखो शेयर मार्केट की रेखाएं, एक्चुअल में ये रेखाएं दो तरीके की काम करती हैं। देखो एक तो ये बच्चों की रेखाएं, ये कहीं ना कहीं जब बच्चों का हम कुछ करते हैं ना, ये रेखाएं जो उठनी शुरू होती हैं और टचिंग के साथ जो जाती हैं, और यही रेखा जो है साथ साथ जो होती है ना शेयर मार्केट की रेखा पे भी आती है। पतली वाली रेखाएं डे ट्रेडिंग की रेखाएं और दूसरी वाली, तो मैं इन्हें फ़ोन पर समझा चुका हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा जिसमें शेयर मार्केट का पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो नो डाउट जिस टाइम पीरियड पे आपकी राहु रेखा मैं बोलूँगा उसके बगैर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें कमा सकते हो, पर लेकिन होल्डिंग की रेखाएँ नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग की रेखाएँ हैं, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना आप सोचते हो कि इससे मैं बहुत कमा लूँगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा गवाओगे शेयर मार्केट तो इस वाले ट्रेंड पे तो बिल्कुल कोई घुस ही नहीं सकता, ये इलेक्शन के बाद तो घुस ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है और वैक्यूम बहुत है इसके अंदर, ठीक है, तो नहीं जा सकते आप। एनीवे, बाकी आपके ऊपर है, आप बहुत समझदार होगे तो चले जाओ, बाकी मैं तो इसको प्रेफरेंस में नहीं ले जाऊँगा। बाकी इनका देखो शुक्र, इनका कोई डिस्टर्ब नहीं है, इनका जो है गुरु इनका डिस्टर्ब है, हल्का सा इनका मंगल है। अब ये मंगल होगा, ये थायराइड ला सकता है, ठीक है, एसिडिटी ला सकता है, वो ले आएगा, लीवर की प्रॉब्लम ले आएगा, फैटी लीवर ले आएगा, या पार्किंसन की बीमारी ले आता है, वो तो बहुत जब चंद्र भी बिल्कुल बिल्कुल डाउन होता है तब आता है, हाथ कांपना शुरू कर देता है, ठीक है। तो नो डाउट इन दोनों पे आप रखो, अपने कंट्रोल रखो इन चीज़ों पर, तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सर बिज़नेस कौन सा है, देखो एक तो शुक्र के से रिलेटेड आप बिज़नेस कर सकते हो और एक इससे रिलेटेड, ये है आपका चंद्र और मंगल। मंगल बाहरी मंगल है, ये वाला मंगल थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है एनीवे, बट लेकिन बुध को चेक और कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कौन कौन से बिज़नेस ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन दोनों के लिए आपने जो बिज़नेस करना है वह आप कर सकते हो, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि शुक्र मुझे सही स्थिति पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हो शेयर मार्केट में आप, और ना राहु रेखाएँ मुझे दिखाई दे रही हैं इनके हाथ में, डेफिनेटली आप करो, मैं उसमें बंदिश में नहीं डाल रहा, और टेक्निक जो मैंने बताई है वैसे काम करना। अब लेडीज़ आइटम है, कपड़े का काम है, ठीक है, और कौन कौन से काम है, म्यूज़िक का है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का काम है, लकड़ी का काम है, फ्लावर डेकोरेशन है, ठीक है, लग्जरी आइटम से रिलेटेड सारे काम हैं, ठीक है, ये सारे काम आप काम कर सकते हो। चंद्र, मैं हमेशा बताता हूँ कि चंद्र वो भी आप काम कर सकते हो। चंद्र किससे रिलेटेड आता है, देखो यात्राओं से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है, और संचार से रिलेटेड है, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकते हो,
ठीक है, और कौन कौन से कर सकते हो, लॉजिस्टिक है, इसके अलावा जो है फल का काम है, सब्जियों का काम है, थोक काम है, शहद का है, पानी का है, दूध का है, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हो, और कौन कौन से काम कर सकते हो, उसके अलावा रेलवे टिकटिंग का है या एरोप्लेन की टिकटिंग का है, ठीक है, ये काम कर सकते हो, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर सकते हो, मेडिसिन का काम कर सकते हो, ठीक है, ये सारे इसी से निकल के आते हैं, केमिस्ट यहीं से बनता है, लोग बनते हैं, ठीक है। आप बाहरी मंगल से आप जितने भी साहसी काम होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं ना, उन सारे में आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, एडवेंचर्स गेम्स में, उसमें लगा सकते हो। और कौन कौन से काम है, DSA है आपने रिकवरी के लिए, वो कर सकते हो, ठीक है, तो ये काम कर लो आप, ठीक है। आप वैसे IT सेक्टर में, अगर राहु थोड़ा सा जो है मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे, मैंने पूछा नहीं कि ये कौन से सेक्टर में है, राहु से रिलेटेड भी काम है, पर राहु के बड़े खतरनाक काम होते हैं, मैं आम आदमी को बोलता नहीं हूँ, जितने भी गंदे काम होते हैं ना एक IT सेक्टर को छोड़ के, राहु के ही सारे काम हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड काम को भी प्रेफरेंस में ले लेता है अपने अपने उसमें, ठीक है, तो वो मैं बोलता ही नहीं, बिडिंग लगाना, बैटिंग करना, ठीक है, ये सारे काम जो है, शराब के अड्डे, ये सब घुड़सवारी, ये बड़े खतरनाक काम है, इसलिए मैं यहाँ पर बोलता नहीं ये चीज़ें, बट लेकिन एनीवे, बट लेकिन इनका हाथ जो है इस कैटेगरी का है कि ये सब कर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दूसरी फोटोग्राफ में लेता हूँ, देखो बुध से रिलेटेड भी आप काम ले सकते हो, और देखो यहाँ पर पहली रेखा जो है वो तो मजबूत दिखाई दे रही है, उसके बाद हल्की हल्की दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलो तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने 42 टाइम जो पीरियड रखा है, उसके बाद ही आप अगर अपना बिजनेस शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें भी आप अपना अपना घर बना सकते हो। वो वहाँ पर मुझे 37.4 से लेकर जो है 42 के बीच में ऐसी फॉर्मेशंस बनी हुई है कि आप अपना आराम से बना लोगे, ठीक है, बट लेकिन छोड़नी नहीं है ये चीज़ आपकी लाइफ में, कहाँ से शुरू हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी 34.3 से ही शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये भी है, इससे रिलेटेड भी कर सकते हैं, जितने भी तोल वाले काम है, पब्लिक रिलेशंस के हैं, जिसमें कस्टमर से इंटरेक्शन करते हो, आप सीधा इंटरेक्शन वाले सारे काम कर सकते हो सारे, ठीक है, तोल वाले सारे काम कर सकते हो, संचार वाले कर सकते हो, कम्युनिकेशन के कर सकते हो, जितने भी कम्युनिकेशन के जो हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, ठीक है, ये काम कर सकते हो। तो ये सारे आप काम करो, सूर्य के लिए आपने नहीं करना, थोड़ा सा सूर्य में मुझे डिस्टरबेंस लग रही है, तो वो मत कीजिएगा उससे रिलेटेड, बाकी इससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा इनका ये वाला। अब इन्होंने कहा कि बच्चों के साथ मेरा रिलेशन, तो नो डाउट ऐसा तो मुझे कोई रेखाएं ऐसी नहीं दिख रही कि जो डिस्टरबेंस वाली हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिजनेस भी ये करेंगे डेफिनेटली, और वो करेंगे आपके 42 के बाद ही करता हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बचे हुआ एनालिसिस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, एंड देन अब देख लेते हैं इनकी लाइफ में, लास्ट में एक राहु रेखा देख लेंगे, ठीक है। देखो हथेली जो है रेक्टेंगुलर है, चौड़ी है, व्यक्ति मेहनती होता है, अपनी जीविका बैठ पर बोल कर कमाएगा, शुक्र को कितना बड़ा स्थान दिया गया है, अंगूठे का जो जो डायमीटर है कितना चौड़ा है, तो थोड़ा सा ये वैसे तो अपने पक्के होते हैं बहुत, बट लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है, ठीक है। एनीवे बट लेकिन माउंट्स को मैं कहता हूँ ये पावर हाउस का काम करता है, तो अगर स्पेस है तो ज़रूर पैसा कमाता है। ये उंगली जो है थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, बट लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्टनरशिप में काम करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को अपने आप को सीधा समझते हैं, दूसरा को ये सोचते हैं कि ये भी सीधा ही होगा, चालाकपंती इनके अंदर नहीं होती है, यहाँ पर ये दिक्कत का सामना कर सकते हैं। बाकी मेरे पास अभी इतनी फोटोग्राफ है नहीं जिससे मैं ये कह सकूँ कि ये कौन सी है, उंगलियों से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तो मेन चीज़ तो ये है कि मैं इन्हें बता चुका हूँ मुद्दे की बात कि इनकी लाइफ में क्या क्या होगा। ये तो एक एक थोड़ा सा एक रहता है लाइफ को कि मैंने किसी को हाथ दिखाया पता लग जाए एनालिसिस पर, मेरे को विश्वास एनालिसिस में है नहीं, क्योंकि इससे असलियत नहीं पता लगती, ठीक है, इसमें माउंट माउंट कैसे चल रहे हैं, हाँ उससे बीमारी पता लग सकती है, तभी मैं थोड़ा बहुत उसको ले लेता हूँ। अब ये फॉर्मेशन जो बनी हुई है, इसका मतलब साफ निकल के आता है कि भैया हस्बैंड वाइफ दोनों कमाई करने वाले हैं, और दोनों ही कमाई करते हुए मिलेंगे, वो दो इनको इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है अभी आगे जाकर,
किसी की कम किसी की ज़्यादा, वो लाइफ में चली रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और शनि की बात करें तो शनि जो है वो क्या है, वो दूसरी फोटोग्राफ में देखते हैं। अब ये स्थायी रेखा जो है ये ऊपर तक गई हुई है, नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थायी रेखा का होना ही बहुत बड़ी बात होती है कि ये आपकी लाइफ में आगे तक जो है पहले भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी और आगे भी पहुंचाएगी। वैसे माउंट बिल्कुल परफेक्ट में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चुस्ती फुर्ती आपके अंदर रहेगी। जैसे गुरु के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा फोटोग्राफ में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक वही कहूँ तुक्के की केमिस्ट्री में अब क्या क्या एनालिसिस में क्या चीज़ें बताएं, ठीक है। अब एक तो ये डिस्टर्ब है पहली बात तो, ठीक है। अब ये प्रोग्रेस लाइन है, इस प्रोग्रेस लाइन से के साथ ये कनेक्शन है, फिर एक ये कनेक्शन है। अब देखो ये देन ये एक्चुअल में ये है क्या, ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल है, और अगर आप नहीं समझ सको तो आप बहुत बड़ी बात है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। समझने वाले, मैं क्या कहता हूँ, एनालिसिस में क्या चीज़ें होती हैं और वो पकड़ता क्या है बंदा और बताता क्या है, इसे तो आपने भूल दिया, ये तो भूल गए और ये कह दिया कि अगर ये जब बन जाएगा ना तो आप अपनी लाइफ में ना घर का निर्माण कर लोगे 32 से 36 साल के बीच में। ये बना नहीं है तो इसलिए इनका मकान नहीं बना, कितनी अच्छी फॉर्मूले बता दें आपने। मेरे इस चैनल पे कभी भी मैं इन चीज़ों को अहमियत देता हूँ, मैं नहीं देता ना। मैं देखो माइंड लाइन पर ये दिखाता हूँ कि इससे बनते हैं, ठीक है। नहीं होता तो कितनी फॉर्मेशन, शुक्र पे कितनी फॉर्मेशंस होती हैं जिसके बनने के, क्या इनके में नहीं है, इनके हाथ में नहीं है। तो ये तो समझने का खेल है कि आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कह देगा कोई, हाँ जी ये प्रोग्रेस लाइन है, इसके बाद जो है यहाँ से एक कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी मिले इन्हें, ठीक है, वहाँ से ये बना सकते हैं अपना। लेकिन मैं एनालिसिस में विश्वास क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि रेखाएं कुछ कह रही हैं और आप उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, बताता हूँ। अब जरा देखो, जब हमने ये टेस्ट करा कि ये वाली रेखा यहाँ से कुछ एफर्ट्स पे चल रही है, ये 20 साल का आ रहा है और ये एक डिग्री का या एक इनकी पढ़ाई का, ये एफर्ट्स भी टुकड़ों में चल रहा है, तो आपको समझ आ रही है ये कहाँ पर रुक रहा है। हाँ रुक रहा है, ये आया समझ, ये 20 साल पर ही क्यों जाकर रुक रहा है टुकड़ा, यानी कुछ ना कुछ इनके 20 साल पे मैं रुका रहा। पहली बात, एक कंसर्न तो समझ आ गया 20 साल का पढ़ाई से रिलेटेड, ये जो आप कहते हो ना इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल इनकम, ये जब बढ़ जाती है, मल्टीपल इनकम है एक से अधिक, इस उम्र में कौन सी मल्टीपल इनकम हो गई, कोई बता दो भैया, यहाँ पर ये रेखाएं आती इस उम्र में कौन सी हो जाती है मल्टीपल इनकम, ऐसे कौन से हैं कि 15 साल 18 साल 20 साल की उम्र में जो है इनकम आनी शुरू हो रही है, यानी ये तुक्के की पावस्ट्री, ठीक है। जब ये टुकड़ा यहाँ पर आकर, जब यहाँ आकर रुका हुआ है, तो यहाँ की कैलकुलेशन क्यों नहीं लगाते यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा भैया, ये टुकड़ा यहाँ पे, इसके अलावा भी इनका कुछ चल रहा था, ठीक, चलो छोड़ खत्म, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे, मैंने क्या कहा था कि मैं एनालिसिस में क्यों नहीं विश्वास करता, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, मैं भी यही कह दूं, अगर ये बन जाएगा तो इनका जो है घर का निर्माण हो जाएगा, अरे वो तो होना ही है, वो तो लिखा हुआ है, हो कैसे जाएगा, ये 32 और 36 चार साल क्यों एग्जैक्ट क्यों नहीं, फिर मुद्दे की बात से हट जाते हैं। वो नहीं, ये नहीं कि ये बंद होगा तभी आदमी जो है बोलने की कला में माहिर होगा और ये होगा वो, हमें नहीं सीखनी ऐसी पामिस्ट्री, नहीं सीखनी, और पामिस्ट्री हीलर तो विश्वास ही नहीं करता इन चीज़ों पर, मुद्दे की बात आती है, जो क्वेश्चन बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ तक पहुँचने का काम पामिस्ट्री हीलर का
है और है वो रेखाएं टेस्ट करेगा, वो सब कुछ बताएगा कि रेखाएं बात क्या कर रही है, बात क्या कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। बाकी तभी कहता हूँ एनालिसिस में विश्वास नहीं है, बात क्या होती है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, यही नहीं हमें समझ आता कि क्या है रेखाएं, क्या कहना चाह रही। देखो अब जैसे ही हम यहाँ पहुँचे यहाँ से लेके यहाँ तक में एक कालापन आ रहा है 25 और 26 में। इसको अलग कर लो आप। जब कभी भी ये यव का निशान नहीं है, याद रखिएगा, ये यव का निशान नहीं है। बारीकी से अध्ययन करना सीखो। ये एक यूं चला और इसके साथ एक ये ऑफशूट जा रहा है, ये एक तरक्की का सा। अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉब से रिलेटेड कुछ दिल समझ ना आ रहा, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही हो, वहाँ पे कालापन दिखा दिया उस टाइम पीरियड में एक साल के लिए। हाँ जी वही, ठीक। देखो मुद्दे की बातों को अगर आप नहीं समझोगे तब आप अपनी लाइफ में, अब ये देखो, अब ये कनेक्शन क्या है यहाँ पर, ये वाली लाइन जो है ना, ये और यहाँ पर एक लाइन आ रही है, मैं वही इस वाली फ़ोटो पे नहीं दिख रही, दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से ये एक कनेक्शन निकला और इस वाली 28.4 पर जाकर इस रेखा के साथ टच हो गया। ये देखो ये क्या है, यहाँ से इन्होंने कोई चेंज किया होगा किसी जगह पर, अपॉर्चुनिटी मिली होगी, कुछ करा होगा और ये चल रहे हैं उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, वो जो टाइम पीरियड है ये चल रहे हैं, देख लो आराम से, कोई डिस्टर्बेंस है नहीं है, आ रहे, मेरी लाइफ तो बड़ी स्मूथ चल रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक आकर एक इम्पैक्ट देने वाली रेखा आ रही है, हल्की सी अपॉर्चुनिटी का इनको कहेगी, अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए। देखता रहना, अभी दिखाता हूँ क्लोजअप में। ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये रेखा यहाँ से शुरू हुई है पर पीछे से एक रेखा ने ना इसे टच कर रखा है, समझते रहना। ये बहुत बारीकी से समझोगे तब, ये तो मैं HD में आपको बताता रहता हूँ। ये देखो ये इस यहाँ आके टच हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक टच हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ आकर आगे तो नहीं जा रही ना, नहीं सर, ये तो यहाँ से, और ये भी पीछे से नहीं जा रही। पीछे से एक रेखा ने इसे टच कर रखा है और वो भी लग्जरी रेखा ने टच कर रखा है। लग्जरी का क्या मतलब होता है, हाँ इनके अपॉर्चुनिटी मिली है, अरे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अरे बहुत अच्छी कंपनी का आपको ना ऑफर आया है, और ये ठुकरा रहे हो, बीवी नहीं कह दिया, अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे सुनने को मिलता है ना। हाँ अच्छा, हाँ ले लेते हैं, चलो कुछ नहीं होता, इस वाली कंपनी में कोई कठिनाई नहीं है, पर लेकिन जहाँ छोड़ा वो सूर्य रेखा ने काम करना छोड़ देना, सारी प्रोफिशंसी एक तरफ आ जाएगी। फिर अपने आप को दूसरी कंपनी में ना एक पहले जगह बनाना, फिर अपने आप को प्रूफ करके दिखाना, वो सारी परफॉर्मेंस बैक साइड में पहुँच जाएगी, टिक नहीं पाए तो ख़त्म, फिर वो डावाडोल, फिर वो साथ नहीं देगी। अब ये समझ ली किसी ने इतनी सी बात, तो समझ ली पामिस्ट्री को। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया कि भैया ये जो है ये आपको फंसाने के लिए रेखा आई गई है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, फंसना मत, क्यों, क्योंकि एक ऑफशूट आ रहा है और उस ऑफशूट से एक ट्रायंगल बन रहा है, वो ये आपका घर बनाने के लिए है, लेकिन आगे ले लिया तो फिर वो जिम्मेदारियाँ और ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर इस जॉब में भी रहते हैं तब भी ये यही कंडीशन पे रहेंगे कि अरे यार अब क्या है, घर भी ले लिया, अब उतनी ही सैलरी, लेकिन अब खर्चे ज़्यादा हो रहे, छोड़ो। लेकिन जब तक ये ऑफशूट और ये वाली रेखा नहीं जाती, प्लीज़ आपने नहीं छोड़नी है 42 तक। यही बस इनके हाथ में छुपी हुई चीज़ थी, आगे तो कुछ भी नहीं है इनके हाथ में, कुछ भी नहीं। ऐसे अगर एनालिसिस करके किसी को समझाओगे ना, और वो अगर सीख गया कि ये खुद भी कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, मैं इस कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा भैया लेनी नहीं है, आगे का बता रहा हूँ, क्योंकि रेखाएं तो कुछ और चाल में चल रही हैं। ये देख लो टूटी हुई रेखाएं हैं यहाँ बीच में, ये कलर चेंज होकर है, ये दिक्कत देंगी फिर, अगर ये समझ लिया तो ठीक है, अदरवाइज तो फंसते जाएंगे। ऐसे करो किसी का एनालिसिस,
तब उसे विश्वास 42 साल के बाद आप अपनी लाइफ में जो करना है करो, ठीक है ठीक है, जैसे ही करोगे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, 43 में करो आप, कोई दिक्कत नहीं, 46 में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है वो भी करो आप, फिर आगे चलोगे 49 में, ठीक है फिर 54 में, ठीक है ये सब आप अपॉर्चुनिटीज लेते चलते हो, तो कोई टेंशन है नहीं। बस यही एक हाथ का एनालिसिस था जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि रेखाएं क्या बोलती हैं, ठीक है। अब ये भी बता दिया बिज़नेस कौन सा करना है, ये भी बता दिया कि आपका हर एक चीज़ बता दी, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड पर था, ये जो ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है 37 से लेकर ये वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। ये आपको जैसे ही आप इस पर पहुँचोगे लगभग लगभग 41 के करीब करीब, तो डेफिनेटली 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 आपकी सारी चीज़ें, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप सोचोगे कि भैया मुझे तो चीज़ें लेनी ही लेनी है, बनानी ही बनानी, बनाओगे। ये ऑफशूट आपको यहाँ पर यहीं से बना सकता है, यहीं से आप अगर 2-3 साल के अंदर अंदर अगर नौकरी नहीं छोड़ी तब भी आप खरीद लोगे, क्योंकि तो ये इसके साथ टच होती हुई रेखाएं हैं ऐसे कर, ठीक है। अगर बाकी मैं माउंट बता चुका हूँ कौन कौन से आपने उपाय करने हैं, तो जो आपके डिस्टर्ब है एक सूर्य का आप कर लो और एक गुरु का ले लेना, ठीक है। दो उपाय आप ले लीजिएगा, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।